हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त और मस्त, एकदम स्वस्थ और व्यस्त होंगे। चलिएगा दोस्तों, आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही शानदार टॉपिक की चर्चा करेंगे। और टॉपिक इतना ज़बरदस्त कि आपके आपके सब्जेक्ट में, मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला है। देखो, सब्जेक्ट का नाम तो है भैया ऑब्स्ट्रक्टिक एंड गायनोकोलॉजी। क्या नाम है सर सब्जेक्ट का? ऑब्स्ट्रक्टिक एंड गायनोकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो अपने आप में बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट होता है। और इसके अंदर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे आप क्या कहने वाले हैं, जिसे आप कहकर चलने वाले हैं दोस्तों, हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी। टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? तो आपका जवाब होएगा कि सर हैमरेज होना। हैमरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? हैमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग का होना। क्या होने वाला है कि सर हैमरेज ऑफ या हैमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी, हैमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी। जो अर्ली प्रेगनेंसी है, उस अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो आपका जवाब ये होगा कि सर वहाँ कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल रही है? हैमरेज, है ना। और हैमरेजिंग क्या होगा तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, उसे आप नाम देकर चलिएगा, दैट इज सर ब्लीडिंग होना। क्या होना सर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड का बाहर आना कब है? अर्ली प्रेगनेंसी में। और दोस्तों, अब जो इसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट नाम, दैट इज द अबॉर्शन। उसे क्या बोला जाता है? अरे भैया, इसे बोला जाता है अबॉर्शन। अब आप लोग समझ गए सर हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी क्या है, समझ गए ना? बताओ हाँ या नहीं। चलिए, तो आप सब लोग क्या करेंगे, इस सेशन को मेरे साथ पढ़ते पढ़ते अपने सभी दोस्तों तक भी पहुंचा देंगे और उन्हें जोड़ देंगे, जगा देंगे तमाम उस दोस्त को कि भाई आजा और पढ़ ले, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर ये जो आपने वर्ड लिख दिया है, इस वर्ड का आप थोड़ा पोस्टमार्टम कर दें कि सर एग्जैक्टली अबॉर्शन जो है वो है क्या है। चलिए ध्यान दें, सबसे पहले इसकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों डेफिनेशन। क्या बताने जा रहा हूँ इसकी मैं आपको? परिभाषा। देखो, डेफिनेशन रटनी नहीं है, डेफिनेशन समझनी होती है। परिभाषाएं रटने के लिए नहीं बनी है, परिभाषाएं समझने के लिए बनी है। परिभाषा क्या कहती है कि प्रेगनेंसी जो हुई है और उस प्रेगनेंसी में क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। उस प्रेगनेंसी में क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। मतलब सिंपल सी भाषा में मैं कह दूं कि वो बेबी है जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में है, और उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का क्या हो जाना? एक्सपल्जन हो जाना। क्या हो जाना माय डियर फ्रेंड? एक्सपल्जन हो जाना। एक्सपल्जन का तात्पर्य ये होगा कि वो बाहर आ जाना। क्या हो जाना सर? वो बाहर आ जाना कब? तो आपका जवाब ये होगा कि सर वो कब बाहर आ जाए? बिफोर द वायबिलिटी। क्या दोस्तों? बिफोर द वायबिलिटी। अब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है, व्हाट डू यू मीन बाई वायबिलिटी? तो ध्यान से सुनिएगा, वायबिलिटी वो स्टेटमेंट है। क्या है वायबिलिटी? वो स्टेटमेंट है कि बच्चे में जीवन आ जाता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइएगा इस बेबी के अंदर जो है वो वायबिलिटी कब आ जाती है? तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली 24 वीक पे तो आ ही जाती है, 101% आ ही जाती है। पर वायबिलिटी आना शुरू कब होती है? अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेट कब, तो 24 वीक। लेकिन आपसे पूछा जाए वायबिलिटी की स्टार्टिंग कब हो जाती है, तो आपका जवाब माय डियर फ्रेंड कितना होगा फिर? 22 वीक होगा। क्या जवाब होगा? 22 वीक होने वाला है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये पैरामीटर्स। तो वायबिलिटी मतलब बच्चे में क्या आना, जीवन का आ जाना। कब आना शुरू हो जाता है सर? 24 वीक पे डेफिनेट आ जाएगा, लेकिन आना शुरू कब हो जाती है? तो जवाब होगा 22 वीक पे। तो पहला स्टेटमेंट हमने क्या जाना कि एक्सपल्जन ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर द
वायबिलिटी नेक्स्ट, और जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का वेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, कि उस प्रोडक्ट का जो वेट है वो वेट कितना हो सर, लेस देन 500 ग्राम, इतना उसका वजन जो है वो भी 500 ग्राम से कम रहे, तब जाकर हम उसे क्या करते हैं कि सर ये जो प्रोडक्ट आया है ये प्रोडक्ट क्या है, अबॉर्शन की कैटेगरी का है। आर यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? चलिए अपन इस डेफिनेशन को लिखते हैं और आप इस डेफिनेशन से बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिएगा लिखिएगा आप मेरे साथ में सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, दैट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है कि एक्सपल्जन द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड, अपन बोलने वाले हैं कि एक्सपल्जन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का जो कंसेप्शन हुआ है वो बाहर आ जाए, बिफोर द, कब बाहर आ जाए दोस्तों, तो आपका जवाब क्या होगा, बिफोर द वायबिलिटी पीरियड, बिफोर द वायबिलिटी पीरियड। अब आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अगर जिस बच्चे को मालूम हो जाए दोनों बातें मैं बताया वो तो ठीक है, नहीं तो ब्रेकेट में आप एक तो जरूर याद ही कर लेना कि वायबिलिटी 24 वीक का पैरामीटर है, डेफिनेट। अगर ऑप्शन में 24 वीक नहीं तो 22 वीक पे आंसर जाएगा, ध्यान रहे बात का। एंड और इसके अलावा क्या होगा, उस फीटस का जो वेट है उसे, एंड फीटस का जो वेट है दोस्तों वो फीटस का वेट कितना होना चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए कि लेस देन 500 ग्राम होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे आप इस कहानी को बता दें। अब सर बच्चे में जब वायबिलिटी आ जाती है, क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, बच्चे में जब वायबिलिटी आ जाती है तो हम उसे क्या कहने लगते हैं, फीटस कहने लगते हैं। है नहीं सर, फीटस तो अपन जब बात करें बड़ी सिंपल सी बात, कहानी की तरफ मैं चलूँ, ज़्यादा खतरनाक नहीं, बिल्कुल सिंपल, कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक महिला थी और यहाँ पर एक पुरुष था, इधर महिला से ओवम आ गया था, पुरुष से स्पर्म आ गया था, और दोनों के आपसी मिलस, आपसी संबंध से दोनों एक जगह होकर क्या कर लिए थे, ये दोनों आपस में कर लिए थे दोस्तों, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। कितना समय लग सकता है, तो आपका जवाब होगा इसमें समय सर 24 से लेकर 72 घंटे तक का समय हो सकता है ना। पॉसिबिलिटी कितने में है कि 48 घंटे में मामला टपाटप सेट है कि नहीं है। चलो फर्टिलाइजेशन के बाद में हम आगे चलते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर बोलूँ तो मैं सेकंड डे से अपन ये बोलकर चलते हैं वहाँ क्या बनेगा सर, उसे हम नाम देकर चलते हैं, दैट इज द जाइगोट। और ये हम बोलते हैं कि 2 से लेकर 14 दिन के अंदर अंदर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट के बाद में, जाइगोट के बाद में क्या बनने वाला है सर, अब हमारा जो नेक्स्ट पीरियड आता है इसके बाद में उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। क्या बोलूंगा दोस्तों, दैट इज द एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक पीरियड बोला जाएगा। और ये एम्ब्रियोनिक पीरियड 2 से लेकर 8 वीक तक का है। तो मैं अगर इस प्रश्न में, अगर मैं इस स्टेटमेंट में ये लिख दूं कि एक्सपल्जन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एंड फीटस, तो भी क्या गलत होगा, क्या मुझे बताओ, तो आपका जवाब मुझे यहाँ तक लगता है कि नहीं सर, बात तो वही है, कान को मैंने एक तो इधर से पकड़ लिया था और फिर घुमा के लाके इधर से पकड़ना चाहा था, पकड़ना मैंने कान ही था, बात वही थी कि वायबिलिटी से पहले। लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज करने को आपसे बार बार ये कह रहा है कि बताइएगा एम्ब्रियोनिक पीरियड के कंसेप्शन को बाहर आ जाएंगे तो क्या कहेंगे, तो जवाब क्या होगा जी, अबॉर्शन ही कहने वाले हैं। अगर एग्जामिनर गए फीटस बाहर आ जाए, सर फीटस क्या है, सुन लो भैया फीटस क्या है, तो 8 वीक के बाद में, हेलो अल्फा टू डेल्टा ध्यान से सुनिएगा, 8 वीक के बाद से लेकर कब तक दोस्तों, टिल बर्थ है। क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, टिल बर्थ तक वो टुक टुक और टुक टुक के पापा मम्मी नहीं, टुक टुक क्या कहलाने वाला है, तो आपका जवाब होगा उस प्रोडक्ट को हम फीटस ही कहते हैं।
तो सर फीटस भी है और एम्ब्रियोनिक एज का जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो भी इसी में होगा। आर यू अंडरस्टैंड? बोलिएगा एक बार फटाफट सारे लोग। तो ये छोटी छोटी बातें, पहले तो डेफिनेशन पे फोकस करना, उसके बाद इन पे। ये आपको फिलहाल भले ही जानने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बता दूंगा, लेकिन ये एम्ब्रियोनिक पीरियड की कहानी तो जरूर आपको जो है दोस्त है वो जाननी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर कहेगा कि एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है, एम्ब्री है ना, एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है और उसके साथ में दोस्तों कौन सा, फीटस, और फीटस में कब तक का, मैक्स टू मैक्स 24 वीक। बट आपको आपको ऑप्शन में अगर दोस्तों 22 वीक मिले तो प्राथमिकता क्या होगी, तो ध्यान देना अल्फा टू डेल्टा। अगर दोनों में से प्राथमिकता वायबिलिटी के लिए पूछी जाएगी तो हमारा जवाब ये होगा, हमारी प्रायोरिटी ये होगी। अगर कहते हैं ना कि तू ना सही तो कोई और सही, और कोई और ना सही तो कोई और सही, लंबी है जमीन ऊंचा है आसमान, पापा की परी तू अकेली तो नहीं, तो जवाब दे देना है फिर ये वाला, है ना। चलिए तो डेफिनेशन आप सभी लोगों के क्लियर हुई कि नहीं हुई मुझे फटाफट से बता दें सारे के सारे दोस्त। चलिए फटाफट से बता दें, क्लियर, वेरी गुड। अब आप लोगों ने सेशन शेयर नहीं किया तो कर दें और फिर से एक नई जानकारी सुन लें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में और विश्व में क्या होते हैं, अबॉर्शन आए दिन होते हैं, तो इसकी जो इंसिडेंसी है क्या है, इसका जो इंसिडेंस है मतलब ये कितनी कितनी दफा बाहर आपको देखने को मिल रहा है, इंसिडेंसी रेट का मतलब है कितने लोगों में अबॉर्शन कब हो रहा है। ध्यान से सुनिए, इंसिडेंसी की जब भी आपसे बात करी जाए माय डियर फ्रेंड, तो आपको क्या करके चलना है, एक विशेष बात ध्यान देकर चलनी है कि सर अबोर्शन जो है वो दो तरीके से हमने देखा है, अबोर्शन हमने क्या करा है सर, दो तरीके से देखा है, और उसमें आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या कि एक तो सर हो सकता है इस सिचुएशन में और एक इसमें, सर किस में, इसमें और उसमें क्या होता है, तो एक तो होगा 0 से लेकर 16 वीक तक के पीरियड में, इतना होगा दोस्तों 0 to 16 वीक की अगर मैं बात करूं तो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, करेक्ट बात है क्या। चलिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिएगा कि सर 16 वीक से लेकर कहाँ तक की बात माने, 24 वीक तक की बात मान ले, कितनी बात मान ले दोस्तों, 24 वीक तक की बात मान लेवे, तो आपका प्रश्न क्या रहेगा, तो सुनिएगा मेरी बात को बड़ा गौर से और ध्यान से कि सर अगर 16 वीक तक की प्रेगनेंसी माने या बिफोर 16 वीक माने, तो मैं आपको बता दूं कि देश और दुनिया में अबोर्शन का जो परसेंटेज निकल कर आएगा 75% कैंडिडेट्स के अंदर, कितने कैंडिडेट्स के अंदर, 75% केसेस में जो अबॉर्ट होने वाली प्रेगनेंसीज हैं वो ये हैं, और रिमेनिंग दोस्तों 25% केसेस के अंदर अबॉर्ट होने वाली जो प्रेगनेंसी है वो ये है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट बात। और आगे चलते हैं, अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, नेक्स्ट जानकारी की तरफ अगर मैं लेकर जाऊं तो आप उसे बड़ा गौर से और ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, करेक्ट है क्या। चलिए अब आपसे और डिटेल में इस जानकारी को ले जाया जाए तो सर यहाँ पर भी और मामला निकल कर हमारे सामने आ सकता है, क्या वो भी गौर से सुने सर, इसको भी दो भागों में तोड़ा जा सकता है, कैसे, एक हो सकता है 0 से लेकर 8 वीक तक का मामला बैठ रहा हो सर, क्या स्टार्टिंग के 2 महीने का प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अराउंड ऑन अराउंड, और अगली जानकारी की बात करें तो 8 से लेकर 16 वीक तक का मामला आपके सामने आता है कि नहीं, बताओ मेरे भाई। अब आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से ज्यादा इंसिडेंसी किसकी थी, हेलो एक बार मेरी तरफ देख लीजिएगा और आप अपना आंसर दीजिएगा कि इन दोनों में से होने वाला मोस्ट कॉमन अबॉर्शन ये है भैया, लेकिन प्रश्न ने वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और इस दफा क्वेश्चन के कुछ अंतरकाल बदल गए, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बताइएगा 0 से 8 वीक का जो अबॉर्शन है वो ज्यादा है कि 8 से 16 वीक का ज्यादा है, बताएं, तो आपका जवाब इस इंसिडेंस रेट में फिर बदल जाएगा, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है और यही तो एग्जामिनर है, तो यहां बताना कि लगभग 75% केसेस में 0 to 8 वीक पे ही
मामला अबॉर्ट पे चला जाता है। जबकि बात करी जाए सर 8 से 16 वीक की कंडीशन के अंदर, तो आपका जवाब होगा लगभग 25% केसेस के अंदर ये हमें देखने को मिलेगा। ये हमें क्या करेगा सर, देखने को मिलेगा। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, करेक्ट। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि इन दोनों फेज में भी मोस्ट कॉमन कौन है, तो आपका जवाब होगा इन दोनों केस में भी सर जी जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे सामने ये वाला है। तो प्रश्न आपसे पूछे जाएं, उत्तर आप दे देंगे नहीं देंगे, मुझे फटाक से जवाब दें। सारे लोग अपने अपने जवाब दें, सारे लोग जिन्हें जो बेहतर लगे बस वही दें, कट कॉपी पेस्ट करना मना है, ठीक है। हो सकता है कि मेरा फेस आपको एग्जैक्ट क्लियर विजुअलाइज नहीं हो रहा है, बट कंटेंट और आवाज़ तो बिल्कुल ऐसे मतलब टकाटक आ रही होगी, है कि नहीं। चलिए, तो मुद्दा कंटेंट का है, मुद्दा क्वालिटी का है, मुद्दा फेस का नहीं है। ये लाइटिंग की वजह से है, सडनली लाइट ब्रेक हो गई है इस वजह से ऐसा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि इंसिडेंस में भी मैं और थोड़ा सा डिटेल चर्चा पे ले जाऊं, इंसिडेंसी में भी मैं थोड़ा सा और डिटेल चर्चा पे ले जाऊं, तो इस इंसिडेंसी को मैं और थोड़ा पोस्टमार्टम कैटेगरी में डाल रहा हूं। और आपसे पूछा जाता है कि भैया अबॉर्प्शन जो है वो कई तरीके का है, पर प्रकार नहीं पूछ रहा मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि दो स्पेशल कैटेगरी है, एक तो इंसान चाहकर करवा रहा है और एक बिना चाहे हो जाता है। चाहती तुम्हें दुल्हन बनाने की सनम, बना न सका उस बात का गम है कि नहीं। चलिए, तो सर इंसिडेंसी की जब मैं बात करूं आपसे, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर एक तो हमारे सामने निकल कर आता है, दैट इज द, क्या बोलोगे, वर्ड से पता चल जाना चाहिए सर, इसे बोला जाएगा मिस गैरेज। क्या बोलते हैं भैया, मिस गैरेज हो जाना, अपने आप हो जाना, करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन कई सारे केस हैं और बहुत सारे केस हैं कहाँ पर क्या करवाना पड़ता है दोस्तों, इंडक्ट कराना पड़ता है, बोले तो इंड्यूस कराना पड़ता है। दैट इज द इंड्यूस, और इंड्यूस का मतलब आप चाहकर करा रहे हैं, है कि नहीं है। हाँ, ये तो क्या हो जाता है, मिस कैरेज का मतलब है कि सेल्फ है, खुद ब खुद ही हो गया, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इंड्यूस में या तो किसी मेडिकल पर्सोनल से, मेडिकल टर्मिनेशन से, वो आगे चर्चा करूंगा कितने मेथड्स हैं उनके बारे में, फिलहाल आप इतना समझे। आपसे पूछा जाए भारत में होने वाली जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी को हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, तो आपका जवाब आएगा कि सर जितनी भी क्लिनिकल प्रेगनेंसीज होती है, क्या होती है, जितनी भी क्लिनिकल प्रेगनेंसीज होती है उसमें मिस कैरेज का रेशियो क्या रहता है और इंडक्शन या इंड्यूस का जो रेशियो है वो क्या रहने वाला है। पुट द आंसर एवरीबडी। तो मैं फिर बता रहा हूँ, लगभग 10 से 20% केस ऐसे सामने आए हैं अब तक के हिस्ट्री में कि क्या हो जाता है, खुद ब खुद ही हो जाता है। और इसका लगभग आधा, का लगभग आधा परसेंट केस ऐसा निकल कर आया है, बोले तो 10% केस ऐसे हैं जहां क्या कराना पड़ता है माय डियर फ्रेंड, इंड्यूस कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, इंड्यूस कराना पड़ता है। दैट्स क्लियर, बोलिएगा यहां तक आप सभी लोग, क्या आप लोगों को कहानी समझ में आ गई। अब मेरे पास में दो तीन प्रश्न नए हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि वायबिलिटी क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि अबॉर्शन क्या है, और मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। आप सभी मुझे जहां तक लगता है बता ही देंगे, पहले दो फिर नेक्स्ट। चलिए, आप मुझे बताइएगा अकॉर्डिंग टू WHO, हेलो अल्फा टू डेल्टा ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू WHO मैंने बताए थे 24 वीक और 22 वीक आंसर, पर किसी बच्चे ने मुझसे प्रश्न नहीं करा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू WHO वायबिलिटी पीरियड, वायबिलिटी जो है, वायबिलिटी पीरियड क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू WHO। दोस्तों क्या बोला जा रहा है, वायबिलिटी पीरियड जो है वो आपका क्या रहने वाला है। एवरीबडी पुट द आंसर। देखो ऑप्शन दो हैं, ऑप्शन दो हैं, पर अगर WHO की बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात है, तो WHO कहता है कि वायबिलिटी कब आ जाती है, तो जवाब होगा 22 वीक पे ही आ जाती है। इसका तात्पर्य ये,
प्राथमिकता किसको दी थी मैंने, इसको, क्योंकि हम किसको फॉलो करते हैं, इसको। करेक्ट बात, वेरी गुड। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे एक प्रश्न और पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अबोर्शन है, क्या कर रहे हो, जो प्रोडक्ट है अबोर्शन का, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ अबोर्शन। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस प्रोडक्ट ऑफ अबोर्शन को क्या कहा जाता है, इस प्रोडक्ट ऑफ अबोर्शन को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा बताइएगा। इसे बोला जाता है दोस्तों अबोर, इसे क्या बोला जाता है, एबोर्टस के नाम से जाना जाता है। अरे भैया, कल को लिखा आ जाता अबोर्टस, तुम मुझे कहते हो ये सर तो वो थे जो बताए नहीं थे। तो ऐसा नहीं, प्रश्न सारे आपको बताए जाएंगे और कहानियाँ सारी आपके साथ शेयर करी जाएगी, जितनी भी हो चाहे, है ना, चाहे जितनी भी हो। आगे चले दोस्तों, नेक्स्ट जानकारी की तरफ। आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अबोर्शन होना तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि कैसे होने वाला है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं अबोर्शन होने के पीछे क्या कारण रह जाते हैं, बोलो तो, कॉजेज ऑफ अबोर्शन। चलिएगा दोस्त, शुरू करते हैं, आगे हेडिंग डालें, कॉजेज ऑफ अबोर्शन। कॉजेज का मतलब रहता है कारण, कॉजेज ऑफ अबोर्शन। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उन कारणों के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा कर लें जो कारण सामान्यतः हमें देखने को मिल सकते हैं, बताएं कौन बताने वाला है, पुट करें आंसर फटाफट सारे बच्चे। देखो, सबसे पहले कारण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मुख्य तौर पे इसके चार पांच कारण हैं जिन्हें आप बहुत बेहतर तरीके से ध्यान दें। सबसे पहला कारण अगर यहाँ पर कोई निकल कर आता है, तो आप, मैं इसको बीच में लिख रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बीच में ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहला कारण अगर हमारे सामने निकल कर आता है, तो वो निकल कर आता है फीटल फैक्टर। भाई, फीटल फैक्टर का तात्पर्य क्या है, भाई माताजी के साइड से या बच्चे की साइड से कोई गड़बड़ है। तो फीटल फैक्टर में एक बड़ा सिंपल सा कहानी है कि किसकी तरफ से गड़बड़ होएगी, तो बड़ा सिंपल है यार, यहाँ पर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, उसमें कोई ना कोई ऐसा मामला सेट नहीं हुआ, ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ गई जिनकी वजह से ऐसा हो गया है, जिनकी वजह से ऐसा हो गया है। एक एक की चर्चा और करूंगा आगे, चिंता मत करना। नेक्स्ट देखिए, अगली कहानी हमारे सामने निकल कर आई कि या तो बच्चे में गड़बड़ हो जाए और या तो बच्चे की माँ के अंदर जो है वो कोई गड़बड़ है, तो उसे हम बोलते हैं दैट इज द मैटरनल फैक्टर। क्या बोलेंगे दोस्तों उसको, मैटरनल फैक्टर। माँ भी सही थी, बच्चा भी सही था, पर माँ के शौक है नवाबी थे भैया, माँ के शौक नवाबी थे, और उसे कहते हैं दोस्तों दैट इज द एनवायरमेंटल। अरे भैया सर, आप ऐसे कैसे ये हमें सुट्टा मारते हुए नजर आ रहे थे, भाई एनवायरमेंटल फैक्टर में वही आएगा, इसलिए मैं समझदार को थोड़ा इशारा कर रहा था, है हाँ, इशारा कर रहा था कि नजर ने नजर को नजर भर के देखा, गुरु इस वक्त तो आपकी नजर हमें नजर ही नहीं आ रही, चिंता मत करो, कंटेंट समझ आ रहा है बस, फिर डरने की कोई बात नहीं। चलेगा, आगे की तरफ हम चलते हैं। इसके बाद में जब मैटरनल फैक्टर्स के बारे में हम बात कर लें, एनवायरमेंटल फैक्टर की बात कर ली, नेक्स्ट हमारे पास में आता है दोस्तों, उसे हम बोलकर चलते हैं दैट इज द एंडोक्राइनल फैक्टर। क्या बोलकर चलेंगे दोस्तों, एंडोक्राइनल फैक्टर। अरे भैया ध्यान दें, जब भी एक मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो उसे कहा जाता है, माना कि तुझे मीठा बहुत पसंद है, पर तू तेरे मीठे का टेस्ट करवा लेना, कहीं तेरे को डायबिटीज मेलाइटस हो, है तो मीठा मीठा और मीठा ना हो जाए, इसका मालूम ध्यान देना है। नेक्स्ट दोस्तों बोला जाता है कि आपकी क्या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, आपके दोस्तों इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य रहने वाला है। और सर, इसके अलावा दोस्तों आप बताकर चल सकते हैं कि खुदा ना कास्ता रब का वास्ता कुछ जन्मजात ही प्रॉब्लम थी, और उसे क्या कहा जाता है, दैट इज द एनाटोमिकल, क्या बोलूंगा दोस्तों उसको, एनाटोमिकल एबनॉर्मिलिटी के नाम से हम जानेंगे, क्या जानेंगे, एनाटोमिकल एबनॉर्मिलिटीज।
तो हमारे सामने मुख्य तौर पे कितने कारण आए रे? बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। अरे जय माता दी, नहीं बेटा ये बोलो, फीटल फैक्टर आ गया, मैटरनल फैक्टर आ गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया, एंडोक्राइनल फैक्टर आ गया, इम्यूनोग्लोबिन फैक्टर आ गया, और एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज के जो फैक्टर्स हैं वो आ गए। यहाँ तक नहीं रुकना है कि अभी तो मापी है मैंने मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमान का मापना बाकी है। और दोस्तों तुम साथ यूं ही बनाए रखना, आप और हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस मंजिल को नीचे ला के रख देंगे, नहीं तो मंजिल के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, इससे पहले कुछ नहीं। चलिएगा, एक एक फैक्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टुक टुक के बारे में बात कर लेते हैं, बोले तो बच्चे के बारे में बात करते हैं। उसे बोला जाता है दोस्तों, दैट इज द फीटल फैक्टर। अरे क्या बोलूँ माई डियर फ्रेंड, उसे तो जवाब देना, उसे बोला जाएगा फीटल फैक्टर, यस और नो? चलिए एवरीबॉडी पुट द आंसर, हेलो। चलिए, फीटल फैक्टर के अंदर हमारे सामने क्या चीजें निकल कर आ सकती है, सुन लो। फीटल फैक्टर में हमारे सामने दो तीन चीजें निकल के आएंगी। सबसे पहली चीज, अगर मेरी नजर में आप मानकर चलो, तो उसे आप ये कहकर चल सकते हो कि सर बच्चे में क्या देखने को मिले, क्रोमोसोमल, क्या देखने को मिले दोस्तों, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिले। अगर आप इसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज नहीं कहते, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, एबनॉर्मेलिटीज। अगर आप इसे नहीं कहते हैं, तो आप इसे क्या भी कह सकते हैं, आप इसे ये कह सकते हैं कि ये कोई जेनेटिक फैक्टर है। ये क्या है, जेनेटिक फैक्टर है, क्रोमोसोम्स का मामला गड़बड़ है। ठीक है, अगली कहानी देखिएगा, नंबर दो, उसे आप क्या कहकर चलेंगे, तो आपका जवाब आएगा हाइड्रोपिक प्रेगनेंसी ऑफ विलाई। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, दूसरा कारण सुनिएगा, उसे बोला जाएगा हाइड्रोपिक, हाइड्रोपिक प्रेगनेंसी ऑफ विलाई हम इसे कहकर चलते हैं। मतलब जो प्रेगनेंसी है और उसकी जो विलाई है हाइड्रोपिक, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर का एक्यूमुलेशन है और बच्चे की सर्वाइबिलिटी के चांसेज कतई नहीं है, क्या कतई नहीं है। तीसरे कारण के बारे में जब हम बात करें, तो टुक टुक अकेला नहीं, टुक टुक के साथ में दो तीन लोग और हैं, और उसे नाम दी जाती है दोस्तों मल्टीपल प्रेगनेंसी। भैया एक ही बच्चा नहीं, बच्चों की संख्या मालूम ही नहीं कितनी है, पर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो भी अबॉर्ट कराना पड़ेगा। अगर हाइड्रोलिक या हाइड्रोफिक, क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइड्रोफिक क्या बोला जाएगा, डी जनरेशन ऑफ विलाई कह दो, या हाइड्रोपिक प्रेगनेंसी ऑफ विलाई। डी जनरेशन वर्ड देखो आपको कहीं किताबों में देखने को मिल जाए, यहाँ पर डी जनरेशन, डी जनरेशन का मतलब एक ऐसी विलाई है, एक ऐसी विलाई है, इस विलाई में पानी भरा हुआ है और वो किस का काम नहीं कर पा रहा है, वो डीजनरेट हो ही नहीं रहा है, वो खत्म हो ही नहीं रहा है, वो ब्रेक हो ही नहीं रहा है, और भाई नहीं होगा तो बच्चा सर्वाइव करेगा। समझ में आ गई? लेकिन भाई साहब मेरी बात गौर से सुनना, और यहां क्वेश्चन बनेगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में, बड़े बड़े मुख्य मुख्य क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ फीटल फैक्टर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीटल फैक्टर। और जब फीटल फैक्टर में मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए, तो बता देना मोस्ट कॉमन कॉज है, और लगभग 75% केस इसी की वजह से अबॉर्ट हो रहे हैं। किसकी वजह से, इसी की वजह से अबॉर्ट हो रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना आगे की जानकारी। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा यहां पर कि सर अगर हमसे पूछ लेता, मानो कोई हमसे पूछ लेता कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कोज क्या है, क्या पूछ लेता, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो फिर से आपका आंसर क्या जाएगा मेरे दोस्त, फिर से आपका आंसर जाएगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। पहले ट्राइमेस्टर की बात कर रहा हूं, पहला ट्राइमेस्टर कब होता है, तो सर 0 से लेकर 3 महीने के जीवन काल, टुक टुक का जिस दिन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हुआ उससे लेकर 3 महीने के समय आपका ये कहलाएगा। चलिए, मोस्ट कॉमन कोज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मोस्ट कॉमन कोज, बिल्कुल दोनों अपने आप में समान है। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान देकर चलना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले आगे की तरफ, बताएं मुझे। चलिए अब ध्यान दे मेरे दोस्त, यहाँ पर दो प्रकार की सिचुएशन आती है
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के अंदर भी क्या आ सकती है, या तो सिचुएशन कुछ खतरनाक बन जाए। क्या सिचुएशन बन जाए, दो सिचुएशन निकल कर आती है सर। एक को बोला जाता है कि सिचुएशन में क्या हुआ, एन्यूप्लोइड। क्या सिचुएशन होएगी दोस्तों, दैट इज द एन्यूप्लोइड या एन्यूपॉइड कह दो, या दोस्तों उसे क्या कह दो, एन्यूप्लोइड, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन आती है उसे बोलते हैं पॉलीप्लोइड। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, पॉलीप्लोइड। अब सर ये क्या है, देखो एन्यू का मतलब एक है और पोली का मतलब आपको मालूम ही है कि पोली क्या होता है, एक से ज्यादा है। पोली का मतलब एक से ज्यादा है, पोली को आप क्या भी कह सकते हैं, ट्राईपॉलिड भी कह सकते हैं। पोली को आप क्या भी कह सकते हैं दोस्तों, दैट इज द ट्राईपॉलिड भी आप इसे नाम दे सकते हैं। अरे मैं सीधा कह रहा हूँ रे यार, छोड़ो तुम, सीधा कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि जहां भी क्रोमोसोम्स का मामला बैठे, जहां भी, और पॉली का मतलब क्रोमोसोम की संख्या बाल्टी भर भर के आ जाए, क्रोमोसोम की संख्या बाल्टी भर भर के आ जाए। और यहां क्रोमोसोम कितने आ गए, 69 क्रोमोसोम आ गए भाई साहब। ये क्रोमोसोम नहीं आए, ये तो क्रोमोसोम के नाम पे भंडार लग गया, क्योंकि टोटल 46 होने चाहिए थे और ये तो व्यवस्था ही खराब है, है? मतलब दो गुना तीन गुना बनने वाले हैं। और इस सिचुएशन में टुक टुक नहीं होने वाला, इस सिचुएशन में होने वाली प्रेगनेंसी कौन सी रहेगी मेरे दोस्त, तो जवाब दे देना, दैट इज नॉन एज पॉलर प्रेगनेंसी। भैया क्रोमोसोम्स का नंबर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। अब सिचुएशन और थोड़ी सी खतरनाक होगी आपकी, और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि सर इसमें भी हुआ है लेकिन डिस्टर्बेंस तो इसमें भी है, और यहां तो मैं लिख ही यही रहा हूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं, क्या दोस्तों नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या देखने को मिल रहे हैं, तो आपका जवाब है कि वो हो चुके हैं डिस्टर्ब। क्या हो चुके हैं वो, डिस्टर्बेंस हो चुका है उनमें, या तो वो भी हल्के से बढ़े हैं और या तो हल्के से घटे हैं, दो सिचुएशन है, ध्यान दे लेना। अब आपसे प्रश्न यहाँ ये है कि बड़े हैं तो क्या कहलाएगा और घटे हैं तो क्या कहलाएगा, ध्यान देना। अगर भैया मामला ठीक ठीक है तो उसे कहते हैं दैट इज द मोनोसोमी। अरे क्या बोलूंगा मेरे दोस्त, मोनोसोमी कहूंगा। और अगर मामला थोड़ा सा बढ़ गया है तो उसे क्या कहूंगा सर, दैट इज द ट्राईसोमी। क्या बोलेंगे रे, ट्राईसोमी। सर मोनोसोमी का मतलब क्या होगा, मोनोसोमी का मतलब ये होगा कि डिक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिक्रीज द नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का नंबर घट चुका है। और ट्राईसोमी का मतलब क्या होगा, ट्राईसोमी का मतलब इंक्रीज, क्या हो चुका है दोस्तों, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दोनों बातें समझ में आई कि नहीं, दे दो मुझे जवाब मेरे भाई, दोनों सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे, फटाफट से जवाब देंगे सब, फटाफट से हैं, करेक्ट बात है। चलिए अब आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ। सर ट्राईसोमी के अंदर हम बात करें तो हमारा 16वें नंबर का क्रोमोसोम्स में गड़बड़ हो सकती है, 13वें नंबर के क्रोमोसोम्स में गड़बड़ हो सकती है, 18वें नंबर के क्रोमोसोम्स में गड़बड़ हो सकती है, और 21वें नंबर के क्रोमोसोम्स में गड़बड़ हो सकती है कि नहीं। चलिए अब आपसे कारण पूछा जाए, अब आपसे कारण पूछा जाए कि ट्राईसोमी में भी मोस्ट कॉमन कौन सा, ट्राईसोमी में भी मोस्ट कॉमन कौन सा, बताओ देखिए कौन जवाब देगा सब, ट्राईसोमी में भी मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, बताइएगा कौन जवाब देने वाला है एवरीबॉडी। चलिए तो सर ट्राईसोमी में भी क्रोमोसोम्स नंबर कौन सा, ध्यान दे लेना, मोस्ट कॉमन रहेगा। अरे चलिए थोड़ा सा प्रश्न और रोक लेता हूं। सर क्रोमोसोम के डिस्टर्बेंस की वजह से गड़बड़ है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मोस्ट कॉमन ये है कि मोस्ट कॉमन ये है, ओहो ध्यान देना, अरे मोस्ट कॉमन ये है कि ये है, तो यहाँ तो जवाब होगा सर मोस्ट कॉमन होगी ट्राईसोमी। मोस्ट कॉमन कौन सी होगी, ट्राईसोमी। ट्राईसोमी भी हमारे पास में चार क्रोमोसोम्स की गड़बड़ है, 16, 13, 18 और 21, इसमें भी मोस्ट कॉमन कौन है, तो जवाब होगा क्रोमोसोम नंबर 16। भैया बाल की खाल तक चला जाऊंगा, ध्यान बस इधर रहे। और आप कहते हैं ओबीजी से भाभी जी बनने का सपना कुछ पलों का है, ज्यादा घंटों का है, बस देखते चले आप मेरे साथ, यूं ही जुड़े रहें। चलिए आगे चले क्या दोस्तों, बताइएगा फटाफट से,
फटाफट से बताइएगा। अब आपसे मैं प्रश्न कुछ इस कदर कर रहा हूं कि आपका ध्यान मेरी तरफ हो। एक फंडा तो ये आप बता सकते हैं, एक फंडा तो एन्यूप्लोइड और पॉलीप्लोइड करके बता दे, ऐसा समझ नहीं आया किसी को। सर ये नहीं, कुछ और तरीका दीजिएगा जिससे हमें क्या आ जाए, बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। चलेगा, अब मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही चर्चा किसकी कर रहा हूँ, मैं अभी भी ध्यान दीजिएगा, अभी भी ध्यान दीजिएगा, मैं चर्चा कर रहा हूँ किसकी दोस्तों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की चर्चा ही कर रहा हूँ। पर इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कुछ गड़बड़ हो गई, खुदा ना कास्ता रब का वास्ता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबोर्ट होने वाला कितना परसेंट रेशियो देखा था हमने, 75%। अगर रेंज में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि 50 से 75% का मामला यही है, 50 से 75% का मामला यही है कि नहीं? वेरी गुड। अब सर ये भी दो प्रकार से भिड़ सकता है, फिर से टाँका और चौका। कैसे? पहली सिचुएशन की दोस्त अगर आपसे बात करी जाए तो आप बताना कि डिफेक्ट किधर से है, मैटरनल गैमेटोजेनेसिस में है ना, क्या डिफेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्या देखने को मिल रहा है, डिफेक्ट इन ए मैटरनल, मैटरनल भैया मैटरनल का तात्पर्य तो समझ ही गए होंगे, गैमेटोजेनेसिस। अरे हाँ कि नहीं, मैटरनल का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? तो जवाब होगा माताजी की तरफ से जो गैमेट्स बन रहे हैं, माताजी की तरफ से जो गैमेट्स का तात्पर्य क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम की धुआं धुआं हो गई है तब। और ऐसा भाई ध्यान देना, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर पिताजी की तरफ से हो जाए भैया क्या हो जाए, इधर डिफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, बस सेम लाइन है कि डिफेक्ट इन, बताओ किधर से, फादर साहब के, क्या बोल रहा हूँ, डिफेक्ट इन फादर। भैया माताजी माताजी है पर बापू आप भी किसी से कम नहीं है, और डिफेक्ट हो जाए पिताजी के गैमेट्स के अंदर, बोले तो गैमेटोजेनेसिस जो हुआ है उनके अंदर व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है, तो भाई फिर भी गड़बड़ किधर होएगी, बोलो कि सर इस बार पिताजी के क्रोमोसोम में गड़बड़ है। और इस दुनिया को कह देना तुम, हमेशा लड़की गलत नहीं होती है, वाई दिस कोला वेरी डी, क्योंकि माताजी के क्रोमोसोम की वजह से अगर व्यवस्था बिगड़ेगी तो केवल 15% केस में ही बिगड़ेगी, लेकिन पिताजी की वजह से व्यवस्था बिगड़ गई तो याद रख लेना कितने परसेंट चांस होंगे भाई, तो कह देना कि पूरम पूरे 50% जो है यहाँ पर चांस होने वाले हैं। कितने परसेंट चांस होने वाले हैं, 50% चांस होने वाले हैं। आपको जवाब आया कि नहीं आया समझ मेरा, सारे बच्चे बता दो, सारे बच्चे मिलकर बता दो कि यस सर आ गई है बात समझ में। फिर से चर्चा को दोहरा रहा हूँ, वापस लेकर जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। हमने शुरुआत करी है फीटल फैक्टर, और फीटल फैक्टर में भी पहला फैक्टर हमने चर्चा करी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में भी मैंने पहली चर्चा करी एन्यूप्लोइड और पॉलीप्लोइड। एन्यूप्लोइड में भी क्रोमोसोम का डिस्टर्बेंस है और इधर तो बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि काउंट ही गड़बड़ है, 69 मोलर प्रेगनेंसी। इधर बढ़े भी और घटे भी, ट्राइसोमी कौन सी हुई, ट्राइसोमी का तात्पर्य बढ़ गए, मोनोसोमी का मतलब घट गए। मोनोसोमी के केसेस कम है, ट्राइसोमी के केसेस ज्यादा हैं। ट्राइसोमी में आपका कौन कौन सा आ गया, 13 16 18 और 21 आ गया, मोस्ट कॉमन कौन सा है बे, तो जवाब 16 होगा। अब तक का जवाब मुझे बताएं। फिर हमने कहा इधर पिताजी में गड़बड़ है और माताजी में गड़बड़ है, माताजी में 15% है, पिताजी के क्रोमोसोम में 50% है, तो मोस्ट कॉमन कौन हुआ जी? अरे कह दो क्रोमोसोम के लिए मोस्ट कॉमन कौन है, ये भाई साहब ही है, हैं क्या है दोस्तों, ये भाई साहब ही हैं। अगर बात समझ आ रही है तो क्लास को एक बार दिल खोल के सभी बच्चों तक पहुंचा देंगे, दिल खोल के सभी बच्चों तक पहुंचा देंगे कि जिक्र क्या जुबा पे नाम तक नहीं आएगा, और जाने वाले तू जा, तेरा तो हम कभी नाम तो क्या फरियाद ना करने वाले। चलो अगली जानकारी, माताजी की जानकारी में हम पढ़ रहे थे, और माताजी की नहीं बच्चे की जानकारी, सॉरी माफी चाहता हूँ, बच्चे की जानकारी में हम पढ़ रहे थे, ये आपको मैं बताई दिया यहाँ पे। और मल्टीपल प्रेगनेंसी का तात्पर्य क्या होगा कि एक से ज्यादा बच्चों में गड़बड़ नहीं, एक से ज्यादा टुक टुक एक साथ होना है ना। हाइड्रोफिक मतलब जो विलाई है उसका डी जनरेशन नहीं हो रहा, और उस विलाई में एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या हो गया है, वाटर का एक्यूमुलेशन हो रखा है। और ये तमाम बातें समझ में आ गई फीटल फैक्टर के दौरान, इसके दौरान समझ में आ गई भैया, फीटल फैक्टर के दौरान आपको समझ में आ गई।
अब मैं जा रहा हूँ अगली तरफ, और अगली तरफ की जब मैं जानकारी दूँ आपको तो अगला मेरा जो फैक्टर निकल के आ रहा है उसे मैं क्या बोलूँगा, फैक्टर नंबर दो, और दैट इज़ द मैटरनल फैक्टर है भैया। इधर इधर माँ में कुछ गड़बड़ है, इधर माँ में कुछ गड़बड़ है कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा और तू चिंता मत करना, इस बार वन कर्मचारी ही आऊंगा, इससे पहले नहीं आऊंगा, इस बार वन अधिकारी आऊंगा, इससे पहले नहीं आऊंगा। अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा खुद से कि भाई मुझे करके दिखाना पड़ेगा, तब जाकर दुनिया सुनेगी, ऐसे दुनिया नहीं सुनती है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जानकारी देखो। मैटरनल फैक्टर दोस्तों हमारे पास में दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो माताजी में किसी विशेष प्रकार का इन्फेक्शन रहा हो, या माताजी में कोई खतरनाक मेडिकल इमरजेंसी रही। तो दो क्या हो सकते हैं, या तो भैया या तो माताजी की बॉडी में कोई इन्फेक्शन रहा हो, दैट इज द मैटरनल इन्फेक्शन। क्या बोलूँगा मैं, मैटरनल इन्फेक्शन हम उसे कहकर चलते हैं। और पॉइंट नंबर दो की जब मैं आपसे बात करूं तो उसे क्या बोला जाएगा, दैट इज द मैटरनल मेडिकल, नॉट सर्जिकल, मैटरनल मेडिकल इलनेस। इसका मतलब हुआ कि उस माँ के अंदर कोई बीमारी है और उस माँ के अंदर कोई इन्फेक्शन है। ध्यान दे, अगर सर इन्फेक्शन है तो क्या है और बीमारी है तो क्या है। चलिए, इन्फेक्शन में आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि क्या हो सकता है, एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन टोर्च होता है सब, क्या होता है, हाँ क्या होता है, साइटोमिगेलो वायरस, HIV वायरस, रूबेला वायरस है, हाँ टॉक्सीसाइको प्लाज्मिक वायरस, सारा का सारा वायरस इधर ही है कि नहीं। इसके अलावा अगर किसी मदर को टोर्च नहीं है मान लो, तो टोर्च के अलावा और कोई इन्फेक्शन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है सर, कोई विशेष प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा हो। कौन सा इन्फेक्शन रहा हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल में भी सर मोस्ट कॉमन क्या होता है, क्लाइमेडिया का इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। बैक्टीरियल में भी अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली जो है दोस्तों यहाँ पर आपका क्लाइमेडिया का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तुमसे कोई पूछे ना 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 बैक्टीरियल नहीं, हमारे पास में तो पैरासाइट का इन्फेक्शन आ गया सर, किसका इन्फेक्शन आ गया, पैरासाइट का इन्फेक्शन आ गया। तो पैरासाइट के इन्फेक्शन में आप क्या बता सकते हैं, या तो मलेरिया बता दो दोस्तों, क्या बता दो, मलेरिया बता दो, अन्यथा क्या बता सकते हो, टॉक्सोप्लाज्मिया बता सकते हो, टॉक्सोप्लाज्मिया बता सकते हो। और टोर्च में भैया ध्यान दे लेना, टॉक्सीसाइटोप्लाज्मिक, सॉरी टॉक्सिक होने वाला है आपका रूबेला यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा वायरल की बात भी कर दूँ क्या, हाँ टोर्च के अलावा देखो वायरल की भी अगर मैं बात करूँ, वायरस की भी, वैसे तो टोर्च में भी वायरस आ गया है लेकिन फिर भी स्पेशली अगर वायरस की बात करें तो महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट HIV का वायरस है दोस्तों। इसके अलावा CMV साइटोमिगेलो वायरस, अरे कौन सा वायरस है दोस्तों, साइटोमिगेलो वायरस, अरे और बता दो, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, और इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, रूबेला मैं तुझे भूल के नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू भी व्यवस्था खराब कर जाता। ध्यान देना, अगर इन्फेक्शन है तो 1, 2, 3, 4 इन्फेक्शन हो सकते हैं, टोर्च, बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइट। टोर्च का मामला बिल्कुल डिटेल में चर्चाएं होंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरियल एग्जाम्पल के तौर पे क्लाइमेडियल ध्यान दे लें, वायरस की बात करें तो HIV साइटोमिगेलो वायरस ध्यान दे लें, पैरासाइट की बात करें तो टॉक्सोप्लाज्मिक आपका पैरासाइट देख सकते हो और मलेरिया का पैरासाइट भी आप देख सकते हो। सर रुक जाओ जरा, क्या एक बात तो बता ही नहीं रहे, अरे आने तो दो, बताऊंगा कैसे, इधर आने तो दो सर। मेडिकल की सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी कौन सी बीमारियां होगी जो व्यवस्था खराब कर देगी, बताइए ऐसी कौन सी बीमारियां होगी जो व्यवस्थाएं खराब कर देगी। सबसे पहली पहली कि पहली पहली बार दिखता है वही, अखियों से नींद चुराता है वही, बदल तो बगल है, हैं बाद में पहले पढ़ेंगे। चलिए तो क्या जवाब होगा दोस्त, सबसे पहली कहानी, अगर किसी माताजी को बहुत लंबे समय से हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ी हुई है, और अगर उस माताजी का बीपी दे धनाधन बढ़ा हुआ है और हमें पता है प्रेगनेंसी में भी बीपी बढ़ेगा, और भैया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, माताजी फट जाएंगी, नाक से ब्लड आ जाएगा, मोस्ट कॉमन साइन इन अडल्ट पर्सन, मोस्ट कॉमन साइन
इन अडल्ट पर्सन बीपी है। हाँ तो जवाब होगा एपिस्टेक्सिस, नाक से धुआंदार ब्लड बाहर आता है, नाक से धुआंदार ब्लड बाहर आता है। आगे सुनिएगा पॉइंट नंबर दो, अगर किसी को क्या है रिनल डिजीज है, किडनी का व्यवस्था खराब है और हमें मालूम है कि माताजी प्रेग्नेंट होगी तो 11 से 12 किलो वजन बढ़ेगा, इसका तात्पर्य माताजी में फ्लूड बढ़ेगा और फ्लूड को फिल्टरेशन करने का काम किडनी को करना पड़ेगा। ओए होए ये किडनी काम ही नहीं कर रही है तो धुआं धुआं हो जाएगा है। और फिर सुनो, अगर किसी व्यक्ति को दिल की धड़कने गड़बड़ है, दिल का मरीज है और आप उसे कह रहे हो कर लो ना बच्चा, अरे कहाँ का बच्चा, जिंदगी और मौत से लड़ना इसको क्या अच्छा है, नहीं है दिल। और भैया फ्लूड फिर से बढ़ रहा है, 11 से 12 किलो वजन बढ़ रहा है, फ्लूड बढ़ रहा है इसका मतलब दिल पे वर्क लोड बढ़ रहा है और दिल तो पहले ही कह रहा है नहीं हमारी नैया पार नहीं होगी है, तो व्यवस्था खराब है। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट और आप देख कर चल सकते हैं, उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो होती है आपकी HbG जिसे आप कहकर चलते हैं, उसकी क्या हो जाए हीमोग्लोबिन की पैथी हो जाए। मतलब मैं ये कहकर चलता हूँ कि या तो इतना कम हीमोग्लोबिन हो गया कि प्रेगनेंसी कंसीव करने की बात नहीं पड़ेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बिना बच्चे का मामला सेट नहीं होगा है। तो आप हीमोग्लोबिन में गड़बड़ नहीं हो, इन चार चीजों को बराबर चेक कर लेना, अगर चारों में ठीक ठीक व्यवस्था है तो कल रात से ही प्लान शुरू कर देना और परसों रात को कह देना बधाई हो आपके घर। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, उसके लिए बेटा ओवुलेशन की जरूरत है, मैच की जरूरत है, चौके दे छक्के की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत ही प्यार से समझ आया होगा, अभी तो हमने शुरुआत करी है, अभी तो हमने कारण दो पढ़े हैं, हमारे पास कारण चार पढ़े हैं, नेक्स्ट एपिसोड में कारण चार भी और सारी की सारी विशेष चर्चाएं भी। अगर आप लोगों को सेशन बेहतर लगा तो हर दोस्त तक ये सेशन पहुंचाए, आज के सेशन को देगी विराम, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सलाम। मैं विकास, मैं जखास, कैसे हैं खास, आप सबका तहे दिल से एक बार फिर स्वागत जो पहली दफा आए हैं। अच्छा कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया कह रहे आपके जैसा, माँ पापा का प्यार, अपनों का साथ, अपनों का दुलार, ऊपर वाले का आशीर्वाद, बस इस बार नरसिंह पार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।